नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉमिक्स बाइट पर। आ चुका है एक विशाल सा पार्सल राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता के प्रकाशन से। इसमें कुछ आई थिंक कलेक्टर्स एडिशन है, एक टी शर्ट है जो हाल ही में मैंने एक सेल चल रही थी उस पर मंगाया था। ये सेल स्पेशल सेल थी, गर्मियों की छुट्टियों की सेल, जिसमें 18% तक का डिस्काउंट अवेलेबल था ऑन फर्स्ट डे और सेकेंड डे मेरे ख्याल से, और लोगों ने इसका भरपूर लाभ ज़रूर लिया होगा। बहुत सारे नॉवेल्टीज़, गिफ्ट आइटम्स और कॉमिक बुक्स थे। अगर आपने इसका लाभ नहीं लिया तो कोई बात नहीं, आप बने रहें हमारे साथ, हमारे ब्लॉग को फॉलो करें, वहाँ पे जानकारी हम साझा करते रहते हैं। और ये पार्सल मुझे अभी मिला है 4-5 दिन पहले। अनबॉक्सिंग आज हम इसकी करेंगे और जांच करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स कैसे हैं और क्या भेजा है हमें राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता ने। चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, हमने अनबॉक्सिंग कर ली है। काफ़ी अच्छा पैकेज था राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता की ओर से, बबल रैप और उसके ऊपर काफ़ी सारा मटेरियल ऐसा रैप किया हुआ था कि खोलने में थोड़ा समय लगा। ये देखिए कॉमिक बुक्स जो हैं, नागराज नरक नाशक नागराज वॉल्यूम 1-2 ये श्रिंक रैप में है। एक टी शर्ट मुझे आया है और कुछ मैंने नॉवेल्टीज़ मंगाए थे जो मेरे पास नहीं थे। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि क्या भेजा है और कैसा है प्रोडक्ट। देखिए ये सुपर कमांडो ध्रुव की टी शर्ट है, मैंने लार्ज मंगाई थी, लार्ज ही आएगी। और टी शर्ट अगर मैं कहूँ यार, काफ़ी अच्छी लग रही देखने में। हालांकि पीछे कोई टैग नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, बट यहाँ पे है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, क्या बात है। और ये प्रिंट है, मटेरियल यहाँ पे रबड़ जैसा, और पीछे ध्रुव का कोट है, नेवर गिव अप सुपर कमांडो ध्रुव। तो बिल्कुल वी विल नेवर गिव अप सर, एंड आई होप सो आप ऐसे ही कॉमिक्स निकालते रहें। और काफ़ी बढ़िया प्रयास मैं बोलूँगा RCSG का यार, ऐसे नॉवेल्टीज़ मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं जिन्हें आप वेयर कर सको, और ज़रूरत भी है आज के डेट में ऐसे नॉवेल्टीज़ की। खैर ये तो हुआ टी शर्ट राइट, इसे यहाँ पर रखते हैं अभी और चलिए बात करते हैं पहले कुछ फ्री आइटम्स की जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। ओके, फ्री आइटम्स क्या है, यहाँ पे एक धोनी राज का ट्रेडिंग कार्ड है, फ्री है वो। देन वी हैव बांकेलाल पोस्ट कार्ड, एक वोकाल का स्टिकर भी है, ये देखिए क्या बात है। देन वी हैव स्टील का एक ट्रेडिंग कार्ड। तो ये 4-5 चीज़ें फ्री भेजी उन्होंने मुझे। ये सबसे अच्छी बात लगती है मुझे ऑफिशियल वेबसाइट से, जब आप ऑर्डर करते हैं तो बहुत सारे नॉवेल्टीज़ आपको भेजते हैं और फ्री होती हैं वो नॉवेल्टीज़, जो कि सेलर्स अक्सर नहीं करते है ना। तो ये अगर आप मंगवाना चाहते हैं, थोड़े से इश्यूज होते हैं इसलिए वो लिखते हैं कि आप अनबॉक्सिंग बनाएं वीडियो की हमेशा, ताकि कुछ वेयर एंड टीयर हो तो वो रिप्लेस कर सके, उन्हें इजी पड़े। तो सिक्योरिटी के लिए बना सकते हैं, बट दिस इज़ गुड टू हैव एक्चुअली, बहुत अच्छा कार्य है RCSG की टीम, फुल मार्क्स मैं बोलूँगा, बहुत बढ़िया। तो ये तो कुछ फ्री नॉवेल्टीज़ हो गई, ये मैंने मंगवाए थे कुछ नॉवेल्टीज़। ये मनु जी का ध्रुव है, मैग्नेट स्टीकर है बड़ा वाला, और यहाँ पे अनुपम जी का है, तो ये दोनों मुझे काफ़ी पसंद है। और एक मैंने मैग्नेट स्टिकर मंगवाया अपने भांजे के लिए, उसको भी ध्रुव बड़ा पसंद है, तो डेफिनेटली ही विल स्टिक दिस समवेयर इन हिज होम। तो ये क्या आपके आइकॉन होते हैं, आप इन्हें फॉलो करते हो सुपर हीरोज राइट, और ये आपके एक अच्छी परवरिश और नींव की रचना करते हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं, समाज में कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करते हैं। दैट्स वाई आई लव सुपर हीरो, ये बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं। ये बहुत सुंदर लग रहे हैं मैग्नेट स्टिकर देखने में, और भी मंगाऊंगा मैं, बट फिलहाल मैंने यही मंगाया है। तो ये 3 मैग्नेट स्टिकर हो गए ध्रुव के, एंड वी हैव बिग साइज। इस मैग्नेट स्टिकर से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी, एक्चुअली मैं ये कॉमिक्स के बैक कवर में प्रिंट होता था, और आप देख रहे हैं 3D इफेक्ट दिया गया इसमें, अलग से चमक निखर के आ रही है। इसे आप या तो मैग्नेट की तरह चिपकाइए या फिर एज ए स्टैंड ही रख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आर्टवर्क है नरेश कुमार, सॉरी आई थिंक डोका देख के लग रहा है ये विनोद कुमार जी का आर्टवर्क है ना। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया, और इंकिंग शायद उन्होंने की है, और नागराज चंदू जी वाला लग रहा है, अश्वराज भी ऐसा दिख रहा है, बट बोल नहीं सकते,
उस समय लगभग सभी आर्टिस्टों का आर्ट वर्क काफ़ी मिलता जुलता था। हालांकि मुलुक स्टूडियो का स्टाइल काफ़ी अलग था, बट यहाँ पे आपको उसकी झलक मिल सकती है थोड़ी बहुत, चेहरे जो बनाते थे। बट ये विनोद कुमार जी ही हैं फॉर श्योर, मुझे देख के लग रहा है। उनका हैचिंग का स्टाइल ऐसा है थोड़ा सा, देखिए इंकिंग पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। तो ये पुराना आर्टवर्क है, मुझे बड़ा पसंद था इसलिए मंगवाया। और ये मैंने इसलिए मंगवाया क्योंकि ये स्वर्गीय धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क है और ये बहुत ही शानदार आर्टवर्क है। नागराज है, तिरंगा, ध्रुव, डोगा, परमाणु, शक्ति, भेड़िया सभी हैं इसमें, राज कॉमिक्स के ओजी जो हैं, ओजी हीरोज़। तो धीरज जी का आर्टवर्क तो मुझे बहुत पसंद था। अब वो है नहीं हमारे बीच, लेकिन सर आपको नमन है हमारी ओर से और आप हमेशा मर रहेंगे अपने कार्यों के द्वारा जो आपने किया है इतने सालों तक, इतने वर्षों तक कॉमिक्स जगत में। तो आपको हम सभी की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। अभी हाल ही में वो दिन गया है जब वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, आई थिंक कोरोना काल में 2021 का वो समय था, बहुत ही बुरा वक्त था। खैर ये तो हुई धीरज जी की बात, और बहुत ही कमाल का आर्टवर्क ये दोनों। एक ये लेटर आया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यहाँ पे आपको थैंक यू बोला गया है, काफ़ी पसंद है। पहले ऐसे हैंड रिटन आते थे और या फिर टाइप राइटर में टाइप होके आते थे, वो बड़े सुंदर थे, वो कभी मैं आपको दिखाऊंगा लेटर्स, बहुत सुंदर लेटर थे वो। उस पर बाकायदा राज कॉमिक्स का लेटर हेड और बहुत सारे हीरोज़ के चेहरे बने हुए थे, बहुत सुंदर है वो। और यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया के उनके हैंडल्स दिए हुए हैं। खैर इसे यहाँ रखते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सीज, पहले इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए तो दोस्तों, मैंने ये नॉवेल्टीज़ निकाल ली हैं। ये है वॉल्यूम 1 की नॉवेल्टी, नरक नाशक नागराज एक एक्शन पोज में नज़र आ रहा है, बहुत ही सॉलिड MDF मैग्नेट स्टीकर है। देन वी हैव अ फ्रिज मैग्नेट जो कि मकबरा का है, ये देखिए आप, कमाल का आर्ट वर्क है हेमंत जी का, रखते हैं इसको यहाँ पे। देन वी हैव आर्ट कार्ड, ये देखिए काफ़ी सुंदर आर्ट कार्ड है, पेंसिल वर्जन है। देन वी हैव अनदर मैग्नेट स्टीकर, ये वॉल्यूम 2 का है, ये फ्रिज मैग्नेट है ये। एंड देर इज़ अनदर MDF जहाँ पे आपको नागराज दिखाई पड़ रहा है एक्शन में। दीज आर ह्यूज एंड बिग मैग्नेट्स यार, क्या बात है, बहुत सुंदर। और फिर यहाँ पे है एक आर्ट कार्ड पेंसिल वर्जन में, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत कलेक्ट कर रहा हूँ इन सबको, काफ़ी बड़ा जखीरा बन गया है अगर मैं कहूँ तो। चलिए ओपन करते हैं इन बुक्स को बेसिकली, और ओपन नहीं करना है, ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, नहीं तो हमें ये कट करना पड़ता था। अब कट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकल जाएंगी, मुझे लगा ये श्रिंक रैप है। ये देखिए क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया भाई। सो RCSG इज़ इवॉल्विंग डे बाई डे, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे। इससे आपके कवर को प्रोडक्शन भी मिलेगा और आपकी कॉमिक्स भी इंटैक्ट रहेंगी, क्या बात है, लव दिस आइडिया, बहुत बढ़िया। चलिए ये है नरक नाशक नागराज वॉल्यूम 3 और ये है 2। UV प्रिंटिंग है, हेमंत जी का नया आर्टवर्क है, बहुत ही शानदार। इसमें मेरे ख्याल से दो कॉमिक्स हैं, मकबरा और तक्षक, ओके, राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता। और ये आर्टवर्क देखिए कमाल है भाई, ओहो। यहाँ पे संग्राहक संस्करण, लेखक नितिन मिश्रा, हेमंत कुमार, जगदीश कुमार, विनोद कुमार, मंदार गंगले, पूरी टीम का नाम है, पूरी टीम है। मनीष गुप्ता जी हैं, अनुराग कुमार सिंह, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। एडिशनल यहाँ पे पेज, मुद्रण तिथि, और ये थार मरुधर भारत, ये वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज़ है, शॉर्ट सीरीज़, मिनी सीरीज़, और इसका रिव्यू मेरी करने की बड़ी इच्छा है। ये देखिए ये मकबरा का एक शानदार बुकमार्क भी है यहाँ पे, कितनी चीज़ें फ्री मिलती हैं RCSG से, मैं तो ये देखता हूँ यहाँ नॉवेल्टी में, बिल्कुल उभर देते हैं। पेज अभी भी आई थिंक चिपके हुए हैं, बिल्कुल फ्रेश प्रिंटिंग है। ये देखिए बाइंडिंग देख लीजिए आप, एक हाथ से पेजेस ग्लॉसी में हैं, बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छी प्रिंट हुई है। पीछे एड्स भी हैं, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया गया है, एड्स भी हैं एक आध। और फिर यहाँ पे तक्षक शुरू हो रही है, ओके,
तो पूरी कॉमिक्स है यहाँ पे तक्षक और ख़त्म भी हो रही है। सही है भाई, कोड नेम कॉमेट का एड, कुछ जानकारी और स्वर्ण पुष्प शोला, तो यहाँ पे स्वर्ण पुष्प भी है और काफ़ी लंबा लिखा गया है यहाँ पे संजय जी ने। और यहाँ पे नमस्कार मित्रों, तो ये कौन है, नितिन मिश्रा जी हैं, ओके, उनके भी कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, आलेख है एक। ये मुख्य पृष्ठ जो है मकबरा, तक्षक, वैकल्पिक, ये भी काफ़ी कमाल लग रहा है यार। कुछ सिनॉप्सिस भी दी गई है और क्या बात है नितिन जी ने। और यहाँ पे कैरेक्टर्स का जो डिज़ाइन था उसके बारे में जानकारी, कमाल है भाई, शानदार। अरे हो गगन, अरे ये किसने बनाया है, नितिन जी या स्तुति जी, दोनों में से किसी एक कार्टवर्क लग रहा है। बहुत शानदार यार, मज़ा आ गया देख के, क्या बात है यार, ये तो प्रॉपर कलेक्टर एडिशन है भाई, इसे मिस नहीं कर सकते आप, बहुत ही कमाल यार, शानदार काम, बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे बोनस पेजेस यार, दिस इज़ व्हाट आई कॉल्ड अ कलेक्टर एडिशन, परफेक्ट कलेक्टर एडिशन भाई, बिल्कुल ले सकते हैं आप। मूल्य आप हमारे ब्लॉग पे चेक कर सकते हैं या RCST की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं वॉल्यूम 2 की, इन्फेक्टेड और मृत्युजीवी, काफ़ी अलग टोन की कहानी, डार्क, पहली कॉमिक्स में तो नागराज है ही नहीं इसमें कमाल की बात तो ये है भाई, है ना, शायद बाद में प्लॉट चेंज किया, संग्राहक संस्करण, मूल रचनाकार दल, यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं। और ये शुरू हो रही है कॉमिक्स इन्फेक्टेड, क्या बात है, बहुत बढ़िया, पेजेस ग्लॉसी में हैं, काफ़ी अच्छा प्रिंट हुआ है, बाइंडिंग अच्छी है, बुकमार्क फ्री है, देख लीजिए आप लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मेरी इच्छा तो बोनस पेजेस देखने की है, बट कॉमिक्स भी एक बार देख लेते हैं पलट पलट के। सो आर्टवर्क नो डाउट बहुत बढ़िया था कॉमिक्स का, सीरीज भी, मिनी सीरीज थी, काफ़ी अच्छी थी, वाह यार मज़ा आ गया देख के। यहाँ पे भी एड्स हैं और फिर स्वर्ण पुष्ट 15 है यहाँ पे, संजय जी ने कुछ लिखा है, आप खरीद के पढ़ें, पूरा सब कुछ चैनल पे ही पढ़ेंगे आप लोग हैं। नितिन मिश्रा जी ने कुछ लिखा है, ये आवरण था इन्फेक्टेड का, क्या बात है, एडिशनल बोनस कंटेंट, वाह यार बहुत बढ़िया। फ्लैट कलर, अरे यार पेंसिल, डार्क पेंसिल्स, एडिशनल कंटेंट भर भर के दिया है इस बार यार, भर भर के दिया है, प्रॉपर कलेक्टर एडिशन बना दिया है, मतलब मुझे कॉमिक बुक्स पढ़ने में इतना आनंद नहीं आएगा जितना इन्हें देखने में आएगा, बिकॉज वी विल लर्न समथिंग, वी विल नो समथिंग जो हमें नहीं पता था आज तक, अनदेखा था हमारे लिए, राइट। तो ये यार बहुत बढ़िया एक काम कर दिया RCSG ने, मज़ा आ गया देख के, है ना, ये दो कलेक्टर एडिशन, और मैंने तो भाई दबा के लाभ उठाया इस सेल का, आप लोगों ने उठाया नहीं हमें ज़रूर बताइए, है ना। और यहाँ पे इस अनबॉक्सिंग को समाप्त करते हैं मित्रों हम आज, और फिर मिलेंगे आपसे किसी अनबॉक्सिंग में, और थैंक यू राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी सेल और भी लेके आइए, फिर मिलूँगा आपसे, नमस्कार, धन्यवाद, कॉमिक्स बाय।